हेलो गाइस, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ एक ऐसे बंदे के ऊपर वीडियो जिसके बहुत सारे सपोर्टर हैं। हो सकता है मुझे घसीट घसीट के भी मारे, कुत्तों जैसी मेरी हालत कर दे, लेकिन मेरे मन में जो है मैं वो कह कर रहूंगा और वीडियो बना कर रहूंगा। अच्छा तो वीडियो बना रहा हूँ रजनीकांत सर के बारे में, जो इन्होंने उड़ उड़कर उछल उछल कर लाते मारी है ना, जो सुपरमैन ये बन गए किसी दशक में। तो बने रहे वीडियो में अगर कुछ अच्छा देखने का मन है तो। मेरा नाम है कैडी और आप देख रहे हैं कैडी बॉलीवुड। अरे माफ कर दो रजनीकांत भाई, माफ कर दो यार, माफ कर दो। अरे आजकल के लोंडे शर्मा जाए क्या, बुढ़ापे में ये चमन चूतियों वाली हरकतें कर रहे हैं आप पे शोभा नहीं देती। मुझे पता है आपके कुछ सपोर्टर हैं जो हो सकता है मुझे गाली वाली दे रहे हैं ओमन में, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा मेरे भाई, रिलेट उस बंदे से करा जाता है जैसे हम कर सकते हैं। मैं तेज भाग सकता हूं, थोड़ा सा मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूं, मैं ट्रेन के अंदर चल सकता हूं, ट्रेन के ऊपर नहीं चल सकता। तो फिल्में ऐसी बनाओ जो मुझसे रिलेट करें, मुझे समझ में आए। रजनीकांत सर हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा तो ना करो ना यार जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। हमें वीडियो बनाने पर क्यों मजबूर कर रहे हो आप? मैंने आपकी फिल्में बहुत सारी देखी और आगे भी देखता रहूंगा क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन अंधभक्त नहीं हूं। जी हां, मुझे जो चीज गलत लगी कि मतलब किस तरह की फिल्में क्यों उड़ रहे हो, ये सिगरेट उछाल उछाल के पीना जरूरी है यार? सीधे भी तो आदमी मुंह में लगा सकता है, माना का आपका स्टाइल है, लेकिन अगर मेरे मोहल्ले में कोई लोंडा ऐसा करता है तो पता है उसे क्या कहते हैं? छपरी। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। रजनीकांत सर आप बहुत बड़े एक्टर हैं, साउथ में तो आपका मंदिर भी बना हुआ है, पूजा भी होती है आपकी, आप बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन क्या आप दिल पर हाथ रख के बताओ क्या ये आप कर सकते हो रियल में? तो लोगों को क्यों चूना लगा रहे हो, क्यों चूतिया बना रहे हो मेरे भाई? पब्लिक पहले से ही बहुत चूतिया बनी पड़ी है, उनके पास कुछ और करने को काम है नहीं, उन्हें ऐसी ऐसी फिल्में दिखाओगे और ट्रेन पे भागेंगे। वैसे भी जब मैं साउथ की दो चार मूवी देख लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं ये ट्रेन उठा के फेंक दूंगा, मैं बस पलट दूंगा, लेकिन मेरे मुझसे 20 लीटर की बाल्टी पानी की भरी भी नहीं उठती, इसका जिम्मेदार कौन है? अरे मुझे माफ कर दो, ये कैसी कैसी फिल्में, कैसे कैसे शॉट आपकी फिल्मों में मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, ये ऐसे ऐसे शॉट आप मुझे मत दिखाया करो। मैं आपकी फिल्म देखने जाता हूँ कुछ लॉजिक समझकर, कुछ मजा आएगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। रोबोट जैसी फिल्में कुछ समझ में आ रहा था, क्योंकि रोबोट में आपने उसे इंसान नहीं दिखाया था, रोबोट दिखाया था आपने। जो चीज़ें करी थी अच्छी लग रही थी, फिल्म देखने में अच्छी लग रही थी, लेकिन जब एक इंसान बनकर आप ऐसी हरकतें करते हो झुंड में तो सुअर आते हैं मुन्ना, शेर अकेला ही आता है। सर जी कितना ही बड़ा फंटर हो और इंसान हो, चार आदमी उसके मिलके ना कुत्ता उतार देते हैं। सच बात तो ये है, चार आदमी का एक आदमी मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा शेर हो, उसका मुंह निकल जाएगा पेंट में। और आप 50-50 बंदे को उड़ा उड़ा कर फेंक रहे हो। माना कि बॉलीवुड में और भी चमन चूती ऐसी हरकतें करते हैं, हमारे सलमान खान भैया उनके ब्रेसलेट देख कर लोग उड़ जाते हैं यार, हद हो गई। मतलब कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना चूना लगाओगे, ये हरकतें देख देख के लड़कियां सोचती है कि हमारे बॉयफ्रेंड भी, हमारे हस्बैंड भी, हमारे खसम भी ऐसे ही होंगे। लेकिन उन्हें जब हम जैसे मिलते हैं जिनसे 20 लीटर की बाल्टी भी नहीं उठती तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाती है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, लोगों को चूतिया बनाना बंद करो, आपने बहुत चूतिया बना दिया लोगों को। अब ऐसी ऐसी फिल्में मत लाओ, आपके चश्मा उतारने से बंदा डर रहा है, आपके हाथ हिलाने से बंदा उड़ रहा है, आपकी इंडस्ट्री का वो है मास, वो टांग हिलाता है तो आंधी आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, पुलिस वाले उड़ जाते हैं। ये बंदा अगर मुझे कहीं मिल गया तो इस बंदे से मैं जरूर बोलूंगा तू खाली पैर नहीं, तू पूरा हिलकर एक कागज हिला के दिखा दे मेरे को, 2 फीट दूर पड़ा हुआ पूरा हिल हिलकर पूरा एक कागज हिला के दिखा दे, उस दिन से समझ जाऊंगा कि तुम्हारी साउथ वालों की चूतड़ों में बहुत दम है। लेकिन लोगों को चूना लगाना बंद करो, कुछ टाइम से तो तुम फिल्म अच्छी बनानी तुम लोगों ने शुरू करी है, वरना कैसी कैसी फिल्में बनाया करते थे तुम, बिल्कुल वाहियात फिल्में, बकवास फिल्में। तो उसकी गरिमा को बनाए रखें, तो कुछ अच्छी अच्छी फिल्में देते रहें और हम देखते रहें। कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, आपके बच्चे जैसा ही हूं, बाकी जो मुझे लगा वो मैंने बक दिया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या कोई लॉजिकली मेरी बात लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाथों शेयर भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसी बेसिर पैर की बकवासी वीडियो ना लाता रहता हूं। तो बने रहे वीडियो में, मेरा नाम है कैडी और आप देख रहे थे कैडी बॉलीवुड।